अध्यक्ष महोदय, पुलिस और जेल के ऊपर मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मेरी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करके अपने कामकाज को करेगा तो निश्चित रूप से राज्य में प्रगति होगी। और इसके लिए सबसे यदि कोई अहम हमारे लिए है तो वो पुलिस विभाग हो जाता है। पुलिस विभाग को हम लोग गाये बगाहे कोसते भी रहते हैं, पुलिस की कमियां भी निकालते रहते हैं और पुलिस को क्या करना चाहिए इस बारे में सुझाव भी देते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर जिस तरह की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पिछले समय से चली आ रही है, मुझे खेद के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री जब बजट के अंदर घोषणा करते हैं या अपना नीति पत्र, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन विचारों को लेकर के आगे बढ़ने की बात कही थी, पिछले बजट की बात करें या इस बजट की बात करें, दोनों बजट के अंदर वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। पुलिस को जितना पैसा देना चाहिए अपराध को रोकने के लिए, आज निश्चित रूप से पुलिस उन सब कार्यों को करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता होती है वो सरकार पुलिस को बजट दे नहीं पाई है, लिहाजा जो पुलिस को परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो पुलिस नहीं दे पाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संकल्प के साथ में 7 संकल्पों की यहाँ पर बात की बजट भाषण के अंदर, और मुझे दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि राज्य के अंदर बहुत सारी अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण पुलिस का ही नहीं, प्रशासन का नहीं, बल्कि हमारी सरकार का भी शर्म जो है वो झुक गया है। मैं बहुत सारी घटनाओं का जिक्र तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 7 घटनाओं का जिक्र जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों के जहन के अंदर है, उनकी जुबान के ऊपर है, चाहे हम लोग थानागाजी की घटना का जिक्र कर लें, चाहे सरदार शहर की घटना का जिक्र करें, चाहे रतनगढ़ के अंदर कस्टोडियल डेथ की बात करें, चाहे नागौर की घटना का जिक्र करें, चाहे बाड़मेर की घटना हो, चाहे जैसलमेर की घटना हो, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं के कारण पुलिस का गाहे बगाहे शर्म जो है वो सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए 7 जो संकल्प हैं, उन 7 संकल्पों के अंदर अच्छा होता एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात का भी लेते कि आने वाले समय के ऊपर हम पुलिस को बहुत चुस्त दुरुस्त करने के लिए बजट के अंदर प्रोविजन करेंगे और वो बजट ऐसा लेकर के आएंगे जिस बजट के कारण हम लोग आने वाले समय के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वयं माना है कि हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार है और मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के कस्टोडियल डेथ जो हैं उनके ऊपर भी अपनी बात को कहा है, तो पुलिस के अंदर जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी के लिए भी कहा है। सरकार विधानसभा में कुछ कहती है, हाई कोर्ट के अंदर जब सरकार को जाना पड़ता है तो सरकार का बयान अलग तरीके का हो जाता है। महिलाओं और अनुसूचित जाति के अत्याचारों की यदि बात करें, आंकड़ों के जाल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 66% महिला अत्याचार बढ़ गए हैं, महिला अत्याचार भी बढ़े हैं, SC ST के ऊपर भी अत्याचार बढ़े हैं। मॉब लिंचिंग की बात करें तो कानून जरूर हमने मॉब लिंचिंग का बना दिया है, लेकिन कानून को मॉब लिंचिंग के ऊपर किसी तरह की ये जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। पुलिस के सामने अपराधियों का इस्तकबाल देखिए, बहरोड थाने के अंदर घटना आप सबको मालूम है, पुलिस के सामने अपराधी जो है वो अपराधियों को छुड़ा करके ले जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। DG साहब कहते हैं कि क्राइम अलर्ट है, लेकिन प्रदेश के अंदर लगातार जो मुकदमे बढ़ रहे हैं, आज कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, समय समय के ऊपर इस सदन के अंदर इस तरह की चर्चा होती भी रही है। राजस्थान सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि राज्य में कानून और व्यवस्था खराब है, सरकार इसको गंभीरता से ले, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को कहना पड़ता है। पुलिस सुरक्षा
आज जो है वो किसी भी तरह से सड़क हादसों की बात करें उसके अंदर तो मानता हूं कि सरकार सड़कों के रखरखाव के अंदर बहुत बुरी स्थिति के अंदर जाने के कारण सरकार जो है वो सड़क दुर्घटनाओं के अंदर कमी नहीं कर पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवक को पेड़ से बांध करके पीट दिया जाता है, गंभीर घटनाएं विभत्स घटनाएं होती हैं जो राजस्थान की सरकार को शर्मसार कर देती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि सरकार पुलिस को जिस तरह से अपराध रोकने के लिए सक्षम बनाना चाहिए उस तरह से सक्षम नहीं बना पाई है। सरकार जो दावे करती है कि हम पुलिस के माध्यम से अपराधों के अंदर अंकुश लगाएंगे, वो लगाने में असफल हुई है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पुलिस परफॉर्म नहीं कर पा रही है उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, पुलिस को क्या कारण है कि सब कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दी जाती है हफ्ते में, लेकिन पुलिस को कभी भी कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। पुलिस लगातार काम करते हुए अपने दिमाग को इस स्थिति तक ले जाती है कि आने वाले समय के अंदर पुलिस परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि पुलिस के जो कार्य हैं उनके अंदर उनको एक दिन की छुट्टी का प्रावधान जरूर रखना चाहिए। पुलिस वाले अधिकारियों को हम ये तो कहते हैं कि वो बेईमान हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बेईमान क्यों हैं। उनके लिए उनकी पर्याप्त तनख्वाह, मैस भत्ता, वर्दी धुलाई, पेट्रोल और पुलिस थानों के अंदर बेहतर सुविधा की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के कुछ जो मैस के अंदर व्यवस्था है, बाकी सब चीज़ें हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात है, ये सब करने की कृपा यदि पुलिस में करेगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा। धन्यवाद। श्री भरत सिंह कुंदरपुर। सभापति जी,